अल्लाह ने जन्नत बनाई है, दोजख दुश्मन अली ने बनवाई है। भाई अगर मेरी बात जा रही है तो गर्दन हिला दीजिए। अल्लाह खालिक खैर है, खालिक शर नहीं है। अल्लाह ने जन्नत बनाई है, दोजख दुश्मन अली ने बनवाई है। हदीस सुना दूं? हदीस कुदसी में इरशाद होता है, लो इज्तमान नास अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब, अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत पर इज्तमा कर लेती, लमा खलक्तु नार, तो मैं दोजख न बनाता। तवज्जो कर रहे हैं आप? अब कुछ लोग हैं जिनसे मौला का ये नाम, मौला का ये जिक्र बहरहाल थोड़ा सा उनके हलक से उतरता नहीं है। वो कहते हैं जी हर बात में अली, हर जगह अली, कोई मजलिस ऐसी नहीं जिसमें अली ना हो। आपकी हर मजलिस का उन्वान अली, जहां देखो अली अली, कोई और मजमून नहीं है कल बयान करने को। तो मैं तो दो मिसरे पढ़ के आगे बढ़ जाता हूँ, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम। अजीज मेरे बुजुर्ग, मैं जानता हूँ पहले से आशनाई और आगाही है, और ये जो आपको शाहिद साहब जी कासिम साहब, ये जो आपसे अली हक का नारा लगवा रहे हैं, तो और कितनी बड़ी बात है कि अगर मैं एक मशहूर ही इस नाम से हो जाए, तो ये जो आपसे ये नारा लगवा रहे हैं ना, तो एक आध दो हो सकता है कोई यहाँ बैठा हुआ जो कहेगा ये क्या हो रहा है। मैं कम से कम पर जाऊंगा ना, तो कोई मुमकिन है एक दो कोई हो जो ये सोचे कि साहब ये क्या हो रहा है। भाई एक सीधा सीधा नारा लगा दीजिए क्या, हर थोड़ी देर के बाद खड़े होकर आप, तो वो मैं इनकी 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 तर्जुमानी कर रहा हूँ। जितना ज्यादा आप इस तरह के अल्फाज अपनी जबान पे जारी करेंगे, यकीन जानिए मुस्तफा राजी होंगे। इसको जैसे मेरे भाई ने नारा लगा दिया, तो आप में से भी तो कोई हिस्सा डाले ना जो बार बार वो ना उठे। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई दे दीजिए जवाब दीजिए। माशाल्लाह सरकार वसीयत में खैर छोड़कर गए और नबी की खैर को अली कहते हैं। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, नबी की खैर या कुरान है या अहले बैत है।